हजरत, आप अपने कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडल को डिफेंड करने में कामयाब रहे और एक ऐसे मतलब ऑल्दो आप मुल्क से बाहर थे लेकिन बहुत बड़ी इंडियन सपोर्ट यहाँ पे मौजूद थी, तो कितना स्पेशल था? देखिए, बिल्कुल अच्छा लगता है जब हम इतना सपोर्ट मिलता है लोगों से, तो बड़ा अच्छा लगता है और गोल्ड जीता है तो उसकी खुशी भी है। ये नहीं, मैं ये सोच के नहीं गया 2018 में जीता था उसको मैं दोबारा से जीतना है, मैं ये सोच के गया था मुझे अपनी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस। आपने ओलंपिक्स में मेडल जीता हुआ है, आपने यहाँ भी मेडल जीता हुआ, कोई एक ऐसा कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल और यहीं पर जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तो दीपक भी गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो गए, पाकिस्तान के नाम बिल्कुल। जो आने वाली जनरेशन है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है और उम्मीद है कि भारतीय कुश्ती आने वाले दिनों में और ऊंचाइयों पर जाएगी, उसके लिए खूब मेहनत कर रहे हैं खिलाड़ी भी हम भी, और उम्मीद है कि भाई जो जो भी जैसे आज 3 गोल्ड जीत लिए हमने, 2 ब्रॉन्ज की बची हुई, 1 सिल्वर जीता है, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले जो हमारे 6 बचे हैं कल के, उनको भी शुभकामनाएं कि भाई आप कल ज़्यादा से ज़्यादा जितने गोल्ड हम जीत सकते हैं उतने हम जीते हैं। आखिर में जो देख रहे हैं लोग उनके लिए सभी का धन्यवाद जो इतना प्यार और आप आशीर्वाद हमें देते हैं खिलाड़ियों को, और कि भाई आप लोग इतनी उम्मीद जताते हैं कि भाई रेसलिंग में हमें इतने मेडल मिलेंगे, तो सभी रेसलर के लिए और सभी खिलाड़ियों के लिए कि भाई इतना प्यार और आशीर्वाद देशवासियों की तरफ से मिलता है तो सभी को बड़ा अच्छा लगता है और अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं।